आज हम लोग जो डायमेंशन और मेजर्स पे वर्क करने का जो दूसरा तरीका है डबल क्लिक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले 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 वीडियो में जो ड्रैग एंड ड्रॉप पे हमको वर्क करना रहता था, तो हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रोडक्ट सब कैटेगरी था उसको सेलेक्ट कर आपको ड्रैग कर रो सेल्फ में हम लोग ने यहाँ पर रिलीज कर देते थे। और देखते हैं डबल क्लिक पर कैसे क्या करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो पहले इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, डी डबल क्लिक में क्या वर्क करने के लिए क्या करते हैं, जैसे प्रोडक्ट सब कैटेगरी है तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो सेल्स का हमारा था उस पर हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सोमी ऑप्शन पे जाते हैं। सोमी ऑप्शन पे जाते हैं हम लोग अपने, इसको बार, ये बार ग्राफ है, हॉरिजेंटल बार ग्राफ है, इस पर हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं अपनी रिपोर्ट को। इसके बाद जो हम लोग एज इट इज, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे हम लोगों ने जब ड्रैग एंड ड्रॉप वाले पे वर्क किया था उसी तरह करते हैं। सपोज हमको अपनी रिपोर्ट को ये करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, इसको डिसेंडिंग में कर देते हैं, लेबल देना है लेबल दे देते हैं, तो ये हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। और हमको प्रॉफिट को करना है तो प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं, प्रॉफिट को हम ले आते हैं रिलीज कर देते हैं। जैसे ही हमने कलर, ये कलर मार्क पर हमने प्रॉफिट को रिलीज किया तो हमारी यहाँ पे ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। तो इस केस में हम लोग को क्या करना रहता है, डबल क्लिक में जस्ट हम लोग को डबल क्लिक करना पड़ता है जो डायमेंशन और मेजर है, और हमारी रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है जो एज इट इज, जैसा कि आपकी ड्रैग एंड ड्रॉप में था। अब हम लोग जो थर्ड वे है उसको देखते हैं, इसको हम लोग रीनेम कर देते हैं, जो तीसरा तरीका हम लोग का पॉइंट एंड क्लिक का। देखिए पॉइंट एंड क्लिक पे कैसे वर्क करते हैं, ये जैसे कि सपोज हमारा प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल की को होल्ड कर लेते हैं अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल की को होल्ड करने के बाद हम लोग सेल्स पे जाते हैं, सेल्स। इसके बाद हम लोग सोमी पे जाते हैं। हम लोग को जो जितने भी आपके अवेलेबल ग्राफ हैं उसमें, ये जो बार ग्राफ हमको रिकमेंड कर रहा है, ये भी हमको जितने भी जो भी आपका हाईलाइटेड हो जाते हैं, जो रिकमेंड करता है टैबलू, टैबलू अपने आप में इंटेलिजेंट है, लेकिन इसको हम लोग बार ग्राफ को यहाँ पे करते हैं, हमारी रिपोर्ट यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद हम लोग अपना ये आपका जो एज इट इज हम लोग पिछले पिछले वीडियो में देखा था, जैसे हमने बताया था, हमने इसको वो कर दिया, लेबल दे दिया, आपको प्रॉफिट को कलर वाले पे रिलीज कर दिया। तो इस तरह आपको ये स्टेप क्लियर हो गया। तो डबल क्लिक जो इस समय मोस्टली जो होता है, डबल क्लिक पर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग भी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं डबल क्लिक पे, मतलब आपका पॉइंट एंड क्लिक पे आपका ज़्यादा ईजी पड़ता है। सपोज इसको एक बार, एक स्टेप हम इसको आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं। इस स्टेप को हम पहले सीट को क्लियर कर देते हैं। क्या करना है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल की से हमको इसको होल्ड कर लेना है, उसके बाद हमको सेल्स को सेलेक्ट करना है, इसके बाद हम लोग को सोमी पे जाना है। जितने भी अवेलेबल ग्राफ हैं, सपोज यहाँ पर है आपका टेक्स्ट लेवल है, टेक्स्ट लेवल है आपका, ये हाईलाइटेड टेबल है आपका, ये ट्री मैप है, तो जितने भी अवेलेबल ग्राफ हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बार ग्राफ को देख लेते हैं, यहाँ पे बार ग्राफ को कर दिए होल्ड की से हटा दिए, आप गए इसको अरेंज कर लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, टेक्स्ट लेबल दे दिए, और आपको प्रॉफिट्स। तो इस तरह हम लोग पॉइंट एंड क्लिक का यूज करते हैं। और आपने जैसे इसके, आपको जो रेस्ट ऑफ स्टेप था आपका सॉर्टेड का है, फिर लेबल का है, कलर कार्ड का है, वो सब आपने अप्लाई कर दिया।
इन सभी ऑप्शन के अलावा, जैसे कि आपको जिस जैसे अभी हमने जितने भी ऑप्शन यहाँ पर जो आपके वर्कशीट सेगमेंट के हैं डिस्कस किए, इन सभी ऑप्शन के अलावा आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है डुप्लीकेट का। इसको करने से क्या हो रहा है, जो हमने अभी एक सीट बनाई थी उसकी जस्ट जिस सीट पर हमने डुप्लीकेट ऑप्शन किया, पॉइंट एंड क्लिक की, उसकी सेकेंड डुप्लीकेट बन गई। जस्ट डुप्लीकेट आइकन से पहले ये क्लियर का है, जस्ट इसके आइकन से पहले आपको एक न्यू वर्कशीट का दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू वर्कशीट, न्यू डैशबोर्ड, न्यू स्टोरी। तो ये सेम ऑप्शन एज इट इज हमने आपको पहले ही पहले के वीडियो में बताया है, यहाँ पर आपको दिखेगा न्यू वर्कशीट, न्यू आपका डैशबोर्ड, न्यू स्टोरी, ये सेम ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग का जो पहले हम लोग पहले मोस्टली जो वर्क करेंगे वर्कशीट पे करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड पे करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टोरी पे वर्क करेंगे। ये हम लोग रोड मैप कर रहे हैं, तो जैसे कि जो हम लोग का पढ़ने का जो रोड मैप होगा इसी तरह होगा। तो शुरुआत के जो वीडियो में हम लोग जो ज़्यादातर फोकस करेंगे वर्कशीट पर फोकस करेंगे, उसके बाद हम लोग डैशबोर्ड पर, उसके बाद न्यू स्टोरी पर। तो न्यू स्टोरी में कुछ नहीं होता है, जब आप वर्कशीट और डैशबोर्ड को कंबाइन कर देते हैं अपने डेटा सेट पे, तो वो आपका वो न्यू वो स्टोरी स्टोरी हो जाता है, स्टोरी हो जाता है। इसके बाद हम लोग को जो डिस्कस करना है वो फॉर्मेट फॉर्मेट जैसे रिपोर्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो इसके 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 बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि जो आपका डायमेंशन और मेजर पे वर्क करने के जो तीनों तरीके हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, डबल क्लिक, पॉइंट एंड क्लिक, तो पॉइंट एंड क्लिक इसको हमको डिलीट करना रहेगा तो डिलीट कर देंगे। तो इन तीनों तरीकों पे आप इन तीनों जो तीनों तरीके हैं उसको हमने बता दिया। तो इस पे जिस भी तरीके से आपको, अगर आपको जिस पे कंफर्टेबल लग रहा है उस पे आप एक प्रैक्टिस बना सकते हैं। पॉइंट एंड क्लिक मेथड भी बहुत बढ़िया है आपको विजुलाइजेशन करने के लिए। तो आप जिस भी एक मेथड पे आपको, अगर आप जिस पे कंफर्ट कर रहे हैं उस पे कर लीजिए। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप पे अगर आपको सही लग रहा है तो ड्रैग एंड ड्रॉप, या पॉइंट एंड क्लिक सही लग रहा है तो पॉइंट एंड क्लिक। तो तीनों तरीकों पर कैसे वर्क करना है हमने बता दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप पे कैसे करना है, जस्ट आपको जिस भी सेल्फ में वर्क करना है आप ड्रैग करते हैं, और जिस भी आपको पिल पे ले जाना रहता है, जैसे यहाँ पर हमने आपको प्रॉफिट को ले आया था पिल पे ले आया तो वहाँ पर आ गया, ये हमने रो सेल्फ में हमने प्रोडक्ट पिल को ले आया यहाँ पर, जो प्रोडक्ट सब कैटेगरी आपकी पिल कहलाएगी। डबल क्लिक में हम लोग डबल क्लिक कर देते हैं, जिस भी चीज़ को चाहिए रहता है हमारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार होती है। पॉइंट क्लिक पे क्या है कि हम लोग बस एक बार सेलेक्ट कर कर कंट्रोल की प्रेस कर कर जिस भी चीज़ को करना रहता है कर देते हैं, और जितने ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं चार्ट के हम लोग एक बार में देख सकते हैं कि कौन से चार्ट हमको बढ़िया रह रहे हैं। तो फिर ये दो तीनों तरीके यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं जो डायमेंशन और मेजर वर्क करने के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और उसमें आपके फॉर्मेट रिपोर्ट, जो रिपोर्ट हमने तैयार की है उसको, बेसिक रिपोर्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।